हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे ब्लूटूथ के पेज पर जो है कीप्स स्टॉपिंग लिखा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों, ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्लूटूथ को बंद करना है और आपके फोन का जो एयरप्लेन मोड है ना, एयरप्लेन मोड को चालू कर देना है। ठीक है, एयरप्लेन मोड को आपको कम से कम 5 या 10 सेकंड चालू रखना है, इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको एक बार इसे कर लेना है, इससे ही प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। इससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है, कभी कभार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे ब्लूटूथ में कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है ना, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग पेज में लेकर आएगा। आपकी जो तीन सेटिंग देख रहे हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। ठीक है, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। आपको यहां पर नीचे एक पेज आएगा, इसमें ओके कर देना, आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको यह ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अगले पेज में आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। इसके अगला पेज APN का होगा, इसमें आपको नीचे रीसेट पे टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना ही है कि मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है, आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपको है ना रीसेट लिखना है, रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट लिखना है। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट का फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में लेकर आएगा। आपको नीचे ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, तो इससे आपके ब्लूटूथ की कीप्स स्टॉपिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।